नमस्कार। चलिए आज हम सेवई की खीर बनाते हैं। तो सेवई खीर कैसे बनता है, झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आज हम बनाना आपको बताते हैं बनता कैसे। ब्राउन वाला सेवई है ये, मैंने मार्केट से परचेज किया था। तो इसमें मैंने एक चम्मच बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और अच्छी तरह से सेवई को मैं भून ले रही हूँ। अच्छी तरह से भून कर इसको हम इसका हल्कापन, कई आदमी क्या करते हैं बिना सेवई भूजी दूध खौला कर सेवई को डाल देते हैं ना, वैसे डाल ना डालें, कच्चापन लगता है, अच्छा नहीं लगता खाने में। इस तरीके से बनाएगा तो बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ये ब्राउन हो गया, हल्का 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 ब्राउन हो गया है। तो ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है सेवई। अब इसमें मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल दिया है और इसमें थोड़ा और दूध में डाल दिया। इसमें पकने देते हैं इसको, लगातार चलाते जाएंगे, गुठली ना रहे, गट्ठे रहने पर गुठली आने लगी, गुठली नहीं मिलाएंगे तो गुठली बन जाएगा, अच्छा सेवई का खीर बनकर तैयार नहीं होगा। अब इस पर हम चीनी डाल देते हैं। चीनी मैंने 1 कप डाला है, बड़े कप से। आप अपने कितना मीठा पसंद करते कितना नहीं, इतना आप सूजी चीनी इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए खीर में बॉयल आने लगा है। आज बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी पर मैं बना रही हूँ सेवई का खीर माता जी को भोग लगाने के लिए, सरस्वती माता का। तो चलिए मैं इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देते हैं, इसको प्रसाद के रूप में बना रहे हैं। तो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है खीर हमारा, बनकर स्टार्ट बन चुका है। अब गैस को मैंने बंद कर दिया है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट, काजू बादाम, किशमिश है, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो इसमें डाल दें। इलायची भी इसमें मैंने खड़े वाले हैं इसमें मैंने डाल दी इलायची, जिससे खुशबू अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगा, बहुत टेस्टी होगा बनकर ये। तो ये देखिए खीर हमारा बनकर तैयार हो गया है, कितना सुंदर, कितना बढ़िया लग रहा है। ये देखिए मैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश भी कर दिया है। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब पक्का करिएगा, कि जो भी हम वीडियो आपके पास मैं डालूँगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पक्का आएगा। नमस्कार।